Reggie House. By the Devendra and flag bearer Shreya towards the national flag. The Ashoka House headed by Rupesh, flag bearer Nitu towards the national flag. The Raman House by Shivam and flag bearer Nandini. The struggles and sacrifices of our patriots have made us stand here today and in सात दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है तथा परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है। आज के दिन हमें किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, पुलिस बलों तथा हमारे बहादुर जवानों की भूमिकाओं की सराहना करनी चाहिए। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। तो फिर देश क्या है, कभी सोचा है आपने? सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश, हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। आज हम जिस तरह की आज़ादी का आनंद लेते हैं, हम कहते हैं हम एक आज़ाद देश में हैं और हम सभी आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो हम शायद इस बात को कभी समझ नहीं सकते कि आज़ाद ना होना क्या होता है। लेकिन कभी वो वक्त भी था जब हम इतने आज़ाद नहीं थे, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हम सभी ने किताबों में ये बातें पढ़ी हैं लेकिन वक्त के साथ उसे भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग आज का दिन मनाते हैं, इस तरह के दिवस मनाते हैं ताकि हम लोग उन लोगों को याद कर सकें। बहुत अच्छा लगा, पहला ही गीत ये था। हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था वो ख़त्म किया जाता है। अब इसके बाद संविधान लागू होने के बाद ही आर्टिकल 3 लागू हुआ और उसके बाद ही हम पूरी तरह से गणतंत्र हुए और इसके बाद हेड ऑफ द स्टेट बन गए हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट। बट क्योंकि उस समय इलेक्शन कराना इतनी जल्दी में पॉसिबल नहीं था तो हमारे लिए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बाद में इलेक्शन द्वारा भी वो चुने गए और 12 साल तक वे हमारे राष्ट्रपति रहे। बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम गणतंत्र ना होते तो हम आज भी उसी डोमिनियन स्टेटस में जी रहे होते।
तो आज हम एक सफल गणतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। With religious fervor, as has been rightly told by our chief guest, because on this day in 1950, the Indian Republic and its constitution had come into force. It's my proud privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. First of all, I thank Principal Kendriya Vidyalaya Chittaranjan for hoisting the flag and reminding all of us about the duties and responsibilities we have towards our nation.